नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी यानी कि मायावती जी आज अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं और राजधानी लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित पार्टी ऑफिस में आज उन्होंने फिर एक बार हर साल की तरह से अपना जन्मदिन मनाया और जन्मदिन के मौके पर ब्लू बुक जिसको वो कहती हैं, जिसमें कि वो एक साल भर के सारे संस्मरण लिखती हैं, पार्टी की गतिविधियाँ लिखती हैं, उसके हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों का विमोचन किया। इसके साथ ही मायावती ने आज कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, सभी विपक्षी दलों को उन्होंने जमकर आड़े हाथों लेते हुए निशाने साधे। सबसे पहले तो उन्होंने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किया, उन्होंने कहा ये जो सिस्टम है ये गलत सिस्टम है जिसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान बसपा को हो रहा है, क्योंकि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होते थे बसपा का जनाधार लगातार बढ़ता गया, सीटें बढ़ती गई, लेकिन जब से ये मशीन आ गई है, ईवीएम आ गई है, तब से बसपा का जनाधार और सीटें दोनों कम होती जा रही हैं। शायद इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि सन 2023 में जो भी चुनाव होंगे विधानसभा के, बसपा उसको अकेले ही लड़ेगी। इससे पहले भी बसपा ने जब जब दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस किया तो वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हो पाया। इसके साथ ही उन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इन्वेस्टर समिट पर भी बड़े सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा यह सब ढोंग है, इसका उत्तर प्रदेश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने SC ST एक्ट को लेकर के भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख पार्टी है जिसने कि विरोध किया, और साथ ही उन्होंने ईवीएम को लेकर के ये कहा पूछे जाने पर कि बसपा तो सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहां तक कहा कि ये ईवीएम से चुनाव नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। आइए देखते हैं मायावती जी ने किस तरीके से विपक्षी दलों और ईवीएम पर निशाना साधा। जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो BSP का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही BSP का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या वो प्रभावित हुआ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। अब तो हमारे जनाधार पे भी असर पड़ा है, लेकिन मुझे तो यही कहना है कि कभी कभी ये जो गड़बड़ जो भी लोग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये गड़बड़ कराने वाले लोग इनका सिस्टम ही ना फेल हो जाए, मतलब तो जो जिधर से भी ये लोग करा रहे हैं, तो मेरा तो अपने लोगों को यही कहना है कि आप लोग प्रयास करो, पार्टी के लोग प्रयास करें, लोगों को तैयार करें, आज नहीं तो कल ये जो जहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ, आपको मालूम है कि दुनिया के जिन देशों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जहां मशीन से शुरू हुआ, तो जब लगा इसमें धांधली होगी तो वहां खत्म कर दिया। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी बहन मायावती जी जिन्होंने अपने 67वें जन्मदिन पर राजधानी लखनऊ में ईवीएम के साथ साथ सभी प्रमुख विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है।